बिहार एस का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आने के बाद शिक्षक बहाली में घोटाले और फर्जीवाड़े का लगातार आरोप लग रहा है अब बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली के एम्स में गुरुवार को आंख की सर्जरी हुई एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई सर्जरी के कुछ ही घंटे बाद उन्हें एम्स से छुट्टी दी गई बताया जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार की एक आंख में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है दूसरी आंख की सर्जरी बाकी है एक दिन पहले बुधवार को नीतीश कुमार एम्स पहुंचे थे ओपीडी में उनकी आंखों की जांच हुई थी इसके अलावा ई के डॉक्टर्स ने भी उनकी जांच की थी डॉक्टर्स ने मोतियाबिंद की सर्जरी कराने की सलाह दी थी इसलिए उन्हें बृहस्पतिवार सुबह नेत्र विज्ञान केंद्र के डे केयर में भर्ती कर उनके मोतियाबिंद की सर्जरी हुई नीतीश कुमार एम्स में अपने आवास आ गए हैं उनके एक आंख का ऑपरेशन हो गया है उस एक आंख में कैटरैक की दिक्कत बताई जा रही थी नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो उसी के साथ पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा था कि आंख में कैटरैक का प्रॉब्लम है उसके इलाज के लिए वो दिल्ली आए हैं हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा ज़रूर थी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मीटिंग होगी कैबिनेट फेरबदल में नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे और जे की बात जरूर रखेंगे लेकिन यहाँ पे हेल्थ इशू की वजह से नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं ये तस्वीर ज़्यादा साफ होते हुए नज़र आ रही है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बताया था डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद के निगरानी में ऑपरेशन हुआ है एक आंख का ऑपरेशन हुआ है कल दोबारा री चेकअप के लिए एम्स जाएंगे फिलहाल अपने आवाज पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आराम करते हुए कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा जी मीडिया दिल्ली